नो बाकी टाइम रहेंगे फिर भी या 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 बोलिए सर। मैं आपके माध्यम से सरकार से और सारे सदन से कहना चाहता हूँ कि गहलोत साहब ने और भूपेंद्र जी ने काफ़ी मेहनत करके इस कमीशन को लाया, इसके समर्थन में खड़ा हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये ज़रूर अपनी बात को रख देना चाहता हूँ, ये सदन कानून बनाता है, अधिकार देता है और व्यवस्था जो है वो कास्ट सिस्टम ही व्यवस्था है, वो एक हाथ से मिलता है और दूसरे हाथ से छीनते रहता है। ये सारे सदस्यों ने बहुत विस्तार से, डी राजा ने बोला है, राम गोपाल जी ने बोला है, काफ़ी लोगों ने बोला, इसलिए मैं विस्तार से उसमें नहीं जाना चाहता। रिजर्वेशन खास करके लोगों ने जो मांग की है कि गहलोत साहब किसी की आर्थिक स्थिति जो शूद्र है, अतिशूद्र है, उससे बदल नहीं जाती, वो चाहे कुछ हो जाए। ये जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो कभी कभी बहुत, मैं उसका सम्मान करता हूँ, अच्छा काम करती है, लेकिन ये जो आर्थिक आधार बनाया है इसने तबाही कर दी है। अभी 52 से 55 बच्चे जो हैं पास होने के बाद सर, उनको मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, मंत्री को भी लिखा, DOPT को, उनकी खोजबीन हो रही कि उनकी आमदनी क्या है। अभी रामगोपाल जी ने जो बात कही है, विस्तार में नहीं जाता, आपकी मैं मजबूरी समझता हूँ, समय नहीं है। इसे ये जो कमीशन बनाया है, ये बगैर दांत के, वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब्स का हो, और चाहे वो बैकवर्ड क्लास का हो, मगर एक कदम है ये। ये बहुत जमा हुआ देश है, बड़ी कठिनाई से सरकता है। ये जो क्रिमिनल लगाया है, ये बहुत संविधान के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, और संविधान बनाने का तो हमारा है। यानी आपने 6 लाख रखा है, मैं क्या कहूँ आपसे, 52 से 55 बच्चे जो पास हो गए, उनकी खोजबीन हो रही कि उनकी आमदनी क्या है। एक बात कहना चाहता हूँ, इस सदन में आप मालिक हैं, सदन में बैठे हैं, कोई सरकार रही हो, लेकिन इसी सदन में बैकवर्ड कमीशन है, शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, ट्राइबल्स का कमीशन है, यहाँ ठेके पर मजदूरी, ठेके पर काम देने का, जहाँ कानून बनता है, जहाँ देश की सब लोगों की निगाह लगी रहती है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, यहाँ से वहाँ तक जो ठेकेदार है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर यहाँ लगाए हुए हैं। ये जो दलित है उनको तो, ये जो सफाई वाले लोग हैं ये 10,000-8,000 रुपये में है, ये पानी पिला रहे हैं ये 8,000 में। यानी आप यहाँ सदन, ये सदन है, और ये आपके अकेले नहीं, आपके नजरिए नहीं, कई वर्षों से सब सरकारों के जरिए ये सिलसिला शुरू हुआ है। यानी यहाँ आप न्याय नहीं कर सकते, सारे देश से चुनके आते हो तब न्याय नहीं कर सकते हो, कहाँ न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सर जो सब तरह के न्याय करती है, उसके सारे कैंपस में जो भी एम्प्लॉय लगता है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। न्याय जहाँ है वो न्यायालय रिजर्वेशन में क्रिमिनल लगाता है, और वो न्यायालय अपने यहाँ भी छत्रपति साहू महाराज की आपने जिक्र किया, इतनी लंबी श्रृंखला है सामाजिक विषमता की लड़ाई की, क्या मैं बताऊँ, ये जात जो है इसने तबाही, ये चीन कैसा बुलंदी से बोल रहा है, मान 95% हान है, 95% में कोई फर्क नहीं है, यहाँ 1 लाख जात है। मैं उसमें विस्तार में नहीं जाता, क्रिमिनल लेयर के लिए तत्काल इसे खत्म करिए। और मैं आपसे कहूँ कि सदन में तो कम से कम इस पार्लियामेंट में जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये ठेके के मजदूर लगाने का काम, और यहाँ से संदेश जाना चाहिए, पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, ये सदन जो है वो यहाँ इस तरह से आदर्श पे चलती है, यहाँ से संदेश जाएगा तो फिर सब विभाग में जाएगा, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया जा रहा है, सारी पब्लिक सेक्टर में लिया जा रहा है, कहाँ से, और प्राइवेट से, आप पब्लिक सेक्टर को
अरे आप उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर करते जा रहे हैं, आप बताइए कहाँ से रिजर्वेशन का मतलब है। ये जो कमीशन है, मैं इसके हक में मैं मानता हूँ कि भूपेंद्र जी ने इस पर काफ़ी मेहनत की है। अच्छा, इसके सदस्यों ने बहुत मेहनत की है, आपके दिग्विजय सिंह जी हैं से लेकर के, आपके हरिप्रसाद जी से लेकर के, खूब पढ़ करके इन रामगोपाल जी थे, मैंने तो ज़्यादा इसमें नहीं कोई सफेल की है। मैं इतना ही निवेदन करूँगा आपसे, मेरी विनती आपसे, आपके माध्यम से सरकार से, ये अन्याय यहीं से ख़त्म करिए, ये क्रिमिनलियर ख़त्म करिए, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर ठेके पर जो यहाँ जो सफाई मजदूर हैं उनके बारे में हम रोज़ वहाँ जाते हैं, हमको दया नहीं आती, क्या है हमारा हृदय, हम देश भर के लोगों की तरफ से यहाँ बैठे हैं, ये जो पान फुलाने वाला है 8,000 रुपये देते हैं उसको, ये यहाँ तो ठीक कर लीजिए, मेरा यही विनती है सरकार से आपके बारे में। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को बहुत बहुत आपका आभार मानता हूँ कि मुझे आपने 2 मिनट का समय दिया। धन्यवाद। सीपी नारायण।